लास्ट जो हमने पीरियड नंबर सेकंड कंप्लीट किया था उसमें ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड 5 क्वेश्चंस एंड 3 फॉर होमवर्क्स टू यू। अब ये जो है पीरियड नंबर थर्ड के लिए देख लो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। पीरियड नंबर थर्ड के लिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लो क्या है। cos स्क्वायर log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। दोस्तों हमें करना है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी हमें क्या होना इसका डेरिवेटिव होना। क्या है दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 6, देख y इक्वल टू देख लो cos स्क्वायर इनटू log ऑफ x स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 है। ये है क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, देख लो ये है तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, देख लो। हाँ, इसको डिफरेंशिएट करो, क्या ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, इसको हमें करना है डिफरेंशिएट। हाँ, वाई का डेरिवेटिव दोस्तों dy बाय dx दोनों वेरिएबल, y के लिए dy बाय dx। अब ये cos है, ये cos का पावर कितना है दोस्तों, 2 है ना, पहले पावर करो चेंज टू एनी व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक पावर, क्या है पावर कितना है, 2 है, 2 आगे लो, 1 से कम करो यानी एज इज एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, क्या ये 2 है जो मैंने आगे लिया, 1 से कम करा 2, 1 से कम यानी 1 इनटू, अब पावर छोड़ दो, 2 पावर है ना, 2 पावर छोड़ दो दोस्तों, 2 छोड़ दो, क्या ये cos, पावर आगे लेने के बाद पावर छोड़ दो, क्या ये cos, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन दोस्तों, देख लो log x स्क्वायर प्लस 7 है। हाँ, क्या ये cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, आप cos छोड़ दो, इट इज नॉट चेंज, ये क्या है दोस्तों log, log के लिए, log के लिए log यानी 1 बाय, log का रूट 1 बाय x स्क्वायर प्लस 7, log का लिए ना 1 बाय, अब log छोड़ दो, क्या है दोस्तों अगेन x स्क्वायर पावर 2 है, आगे लो x से कम करो यानी 1, कुछ नहीं यानी लास्ट में x का डेरिवेटिव 1। हां देख लो दोस्तों क्या ये, हाँ है फॉर्मूला हमारे पास, ये माइनस साइन रहने दो, आइडेंटिटी क्या है दोस्तों 2 साइन cos, फॉर्मूला मालूम है हमें, देख लो 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा, यू नो गहराई का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा यानी साइन 2 थीटा, देख लो ये फॉर्मूला है हमारे पास, फिर dy / dx इक्वल टू, हां क्या है दोस्तों ये 2 साइन और cos क्या होता है, ये साइन 2 थीटा, 2 यानी व्हाट, 2 थीटा यानी दोस्तों ये सारा क्या, ये log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 है। हां ये कंप्लीट हुआ ये पूरा, तो क्या ये 2x / है ना, ये 2x है दोस्तों, 2x / x स्क्वायर प्लस 7, ये आगे ले लो क्या ये 2x / x स्क्वायर प्लस 7, ये है हमारे लिए dy / dx 2x into 2x into sin of 2 log x स्क्वायर प्लस 7 / x, ये 2x है दोस्तों, ये 2x ये एज इट इज है, हां बाद में क्या ये 2 sin cos यानी sin 2 थीटा, ये क्या है दोस्तों माइनस, माइनस यानी आगे ले लो ये माइनस है। ये है तुम्हारे लिए dy / ds क्वेश्चन नंबर 6 के लिए दोस्तों, आप देख लो। हाँ 6 के बाद 7 के लिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7, हाँ देख लो क्वेश्चन, देखो दोस्तों क्या है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 देख लो दोस्तों क्या कौन सा है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, आप ये है 7-1, हाँ देख लो क्या है, हाँ 7th क्वेश्चन 7 के लिए sec, हाँ sec दोस्तों देख लो tan ऑफ x रेस टू 4 प्लस 4 है, हाँ इसको हमें डिफरेंशिएट करना है यानी इसका डेरिवेटिव होना, डेरिवेटिव के लिए दोस्तों देख लो लेट y कोड क्या है ये sec, ये tan ऑफ x रेस टू 4 प्लस 4 है, हाँ हमें डेरिवेटिव होना, इसका डेरिवेटिव होना यानी सपोज y इक्वल टू, हाँ देख लो डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव मान लो दोस्तों, वाई का डेरिवेटिव dy by dx, अब क्या है sec, हाँ sec ऑफ f ऑफ x है दोस्तों, sec ऑफ अंदर यानी f ऑफ x, sec ऑफ f ऑफ x यानी क्या है sec, है ना, sec f ऑफ x इनटू क्या है tan f ऑफ x दोस्तों, यू नो वेरी वेल sec का डेरिवेटिव, ये sec, sec का डेरिवेटिव sec f ऑफ x इनटू tan f ऑफ x इनटू चेन में आने वाला, अब sec हुआ, sec कर दिया ना, sec इनटू ये एज इट इज, sec इनटू tan, बाद में tan के लिए दोस्तों tan का डेरिवेटिव क्या है, tan के लिए sec स्क्वायर x रेस टू 4 + 4, ये tan, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, अब tan छोड़ दो, इट इज नॉट एज चेन होगा क्या, ये क्या है x रेस टू 4 है, x रेस टू 4 यानी व्हाट 4 आगे लो x से कम यानी 3 और x का डेरिवेटिव 1, इट इज नोन एज चेन रूल, ये है हमारे लिए लास्ट आंसर दोस्तों, देख लो क्या होता है ये, हम कुछ भी नहीं कर सकते इसको कैंसिल, अगर हुआ पॉसिबल है तो ले लो x2 into what sec square x रेस टू 4 + 4 into क्या है ये into sec ऑफ tan x रेस टू 4 + 4 देन क्या है दोस्तों ये tan ऑफ tan x रेस टू 4 + 4 ये है तुम्हारे लिए, है ना, ये सिंपलेस्ट जो पार्ट है मैंने आज ही लिया और ये एज इट इज, ये है तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 dy / dx देन 8th वन, 8 के लिए दोस्तों क्या है ये 8th वन log ऑफ क्या है ये log x है, log ऑफ log x है दोस्तों, देखो log ऑफ log x टू द बेस e स्क्वायर, ये है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए अब यहां पर क्या है इसको लेना, लेट y इक्वल टू दिस वन क्या है दोस्तों ये log ऑफ log x बेस, मालूम है बेस log टू द बेस, ऐसा कुछ रहा log में तो कंपलसरी कैसा था ये log ऑफ e स्क्वायर, अगर इसको मालूम नहीं तो देख लो दोस्तों क्या ये log ऑफ b टू द बेस a, कुछ मालूम जरूर तो देख लो log ऑफ b टू द बेस a, ऐसा रहा तो इसको ऐसा देना log b / log a है रूल्स ऑफ log, हां क्या ये अगेन कैसा होता दोस्तों ये log ऑफ log x पावर क्या है ये पावर है ना दोस्तों, ये क्या है पावर है, इसको आगे लो 2 into log log यानी व्हाट मालूम है log e यानी क्या होता है ये log ऑफ log x / 2 into log e का वैल्यू कंपलसरी 1, दोस्तों देख लो log e के लिए कंपलसरी क्या होता है 1, ये है y इक्वल टू है, y इक्वल टू है इसको करो डिफरेंशिएट, देख लो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x दोस्तों, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy / dx है, y का डेरिवेटिव dy / dx 1 / 2 कांस्टेंट है के log, फर्स्ट log यानी 1 / व्हाटएवर मे बी जो भी है अंदर log x into, अब ये सेकंड log के लिए अगेन 1 / क्या है log क्या है yes, एज इट इज यानी 1 / 2x into log x, 2x into log x, ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, हां क्वेश्चन नंबर 8 देख लो क्वेश्चन नंबर 8, हां उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 ऑलरेडी तुम्हारे पास क्वेश्चंस में लिंक के फॉर्म में होंगे यार, पीडीएफ के फॉर्म में क्वेश्चन होंगे आपके पास, तो क्वेश्चन देखते जाओ, जो भी बीच में टाइम मिलता तो क्वेश्चन देखना क्या है क्या है ना, पहले ट्राई करना हां देन मैं तुम्हारे लिए सॉल्व करके बताऊंगा, देख लो क्या है ना, हां क्वेश्चन नंबर 9 के लिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या है ये log of x है, ये इसका पावर है दोस्तों, तो हमें इसका डेरिवेटिव होना, जिसको जिसका भी डेरिवेटिव होना, जिसको भी डिफरेंशिएट करना है, लेट
वाई इक्वल टू बोलना है, इसको करो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट दोस्तों विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या है दोस्तों ये वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स है, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स है। हाँ दो आगे लो दोस्तों, दो आगे लो एक्स से टर्म करो, क्या ये लॉग ऑफ, लॉग ऑफ लॉग एक्स है। हाँ दो जो पावर है मैंने आगे लिया एक से टर्म करा, इंटू यानी चेंज, क्या है दोस्तों पावर मैंने आगे लिया एक से टर्म करा है ना, पावर दो आगे लिया एक से टर्म, यानी पावर छोड़ दो, ये पावर छोड़ दो अंदर आ लॉग, ये पहले लॉग के लिए वन बाय, ये लॉग यानी फर्स्ट लॉग यानी दोस्तों वन बाय यानी पूरा, पहले लॉग के लिए वन बाय यानी पूरा, क्या है लॉग ऑफ लॉग एक्स है, ये पहला लॉट हुआ। अब दोस्तों ये छोड़ दो, अब सेकंड लॉट के लिए क्या है, सेकंड लॉट का वन बाय है, वन बाय यानी एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स यानी नीचे आ, ये लॉट के लिए, ये लॉट के लिए वन बाय, ये नीचे लो इंटू, क्या ये वन बाय लॉग एक्स इंटू लास्ट लॉट दोस्तों, लास्ट लॉट के लिए क्या है वन बाय एक्स, एक्स का डेरिवेटिव वन है, तो इंटू लॉट ऑफ लॉट ऑफ क्या है ये लॉग एक्स है, बाय नीचे क्या है दोस्तों एक्स इंटू लॉग ऑफ क्या है ये लॉग एक्स है। ये है नाइन्थ प्रॉब्लम के लिए डीवाई बाई डी एक्स दोस्तों, नाइन्थ प्रॉब्लम के लिए डीवाई कुछ भी नहीं, पावर कितना है दोस्तों ये दो है, दो हमने क्या किया आगे लिया एक से टर्म यानी वन, पावर दो आगे लेके एक से टर्म करो, देन अगेन लॉट, ये लॉट के लिए ये लॉट, ये लॉट यानी वन बाय एन बी दोस्तों, ये है देन ये लॉट के लिए वन बाय एन बी है, ये देन ये लॉट के लिए वन बाय एक्स का डेरिवेटिव वन, इट इज एस डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव दोस्तों। हाँ क्वेश्चन नंबर टेन देख लो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर टेन यहाँ पर होता है देखेंगे, वाई को क्या ये कॉस स्क्वायर है, कॉस एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स है। हाँ देख लो दोस्तों रूल्स वो देख लो, हाँ ये है वाई इक्वल टू दिस वन, मैंने इसको डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव लेना है यानी लेट वाई इक्वल, अब करो इसको डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दोस्तों, हाँ इसका डेरिवेटिव ले लो, वाई का डेरिवेटिव क्या है डीवाई बाय डी एक्स है। हाँ देन कॉस, कॉस के लिए कॉस का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव क्या है दोस्तों माइनस साइन एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू एक्स, कॉस का साइन ये एल बी एफ ऑफ एक्स एल बी एन, अब ये एन कॉस छोड़ दो, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन दिया ना एफ ऑफ एक्स एल बी, अब ये कॉस छोड़ दो, क्या है दोस्तों एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू एक्स, दो अलग है ना ये अल्जेब्रिक है, पॉलीनोमियल है, अब ये क्या है एक्सपोनेंशियल है, ये कैसा है दोस्तों इंटू है ना, ये इंटू, इंटू का रूल, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन यानी इंटू के लिए क्या है दोस्तों ये इंटू के लिए फर्स्ट एलिमेंट सेकंड का डेरिवेटिव ई रेज़ टू एक्स प्लस ये सेकंड एलिमेंट दोस्तों फर्स्ट एक्स स्क्वायर एलिमेंट डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू एक्स यानी ई रेज़ टू एक्स, अब बाद में सेकंड एलिमेंट दोस्तों पहला जो है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, पावर कितना है दो है ना, आगे दो एक्स से टर्म दो यानी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव ये है डेरिवेटिव। हाँ क्या है देख लो, हाँ क्या होता है ये माइनस यहां से ई रेज़ टू एक्स कॉमन दो है ना, ये क्या होता है कॉमन, ये साइन एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू एक्स इंटू, हाँ क्या है दोस्तों यहाँ पर एक्स इंटू ई रेज़ टू एक्स कॉमन लो, क्या मिलता है ये एक्स प्लस क्या है ये टू, ये है तुम्हारे लिए है ना, इसमें से मैंने कुछ भी नहीं एक्स और ई रेज़ टू एक्स कॉमन लिया, ये एज इट इज कैंसिल वो होता नहीं, प्लस माइनस होता नहीं, डिवाइड इंटू होता नहीं, एज इट इज, ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर टेन। हाँ देख लो क्वेश्चन नंबर टेन दोस्तों, आज क्वेश्चन नंबर टेन, हाँ देन क्वेश्चन नंबर इलेवन के लिए आप दोस्तों, आज हाँ क्वेश्चन नंबर इलेवन, हाँ देख लो क्वेश्चन नंबर इलेवन क्या है,
तुम क्वेश्चन लिखते जाओ, क्वेश्चन लिखते जाओ, थोड़ा बहुत ट्राई करते जाओ, होमवर्क रेगुलरली सॉल्व करते जाओ, यू विल गेट योर। ये है क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों। 11 के लिए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 5 रेस टू क्या है ये 5 और एक्स क्यूब प्लस 3 रेस टू 3 है। हमें इसका डेरिवेटिव लेना है दोस्तों, जिसका भी डेरिवेटिव होना ले y इक्वल टू दिस वन। क्या है अब ये u by v है दोस्तों, अगर रूल्स मालूम है तो देख लो u by v के लिए क्या है दोस्तों, ये मैं यहां पर लूंगा d by ds ऑफ u by v है। u by v का मालूम है ना, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन v इंटू u का डेरिवेटिव du by ds माइनस, अब क्या है ना डिनोमिनेटर एज इट इज वी एज इट इज यू का डेरिवेटिव, अब यू एज इट इज वी का यानी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव दोस्तों डीवी बाई डी एस और वाई क्या ये वी स्क्वायर। ये है तुम्हारे लिए रूल्स ऑफ यू बाई वी। हाँ देख लो क्या ये इसको करो डिफरेंशिएट, हाँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यस दोस्तों, हाँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या है ये डी वाई बाय डी एक्स, हाँ यू बाय वी दोस्तों देख लो यू बाय वी यानी व्हाट वी एज इट इज है यार, वी एज इट इज दोस्तों, वी एज इट इज है डेरिवेटिव यू का, यू का है ऊपर का, ऊपर क्या है ये 5 आगे लो एक्स से कम यानी एक्स क्यूब माइनस 5 5 आगे लेके एक से कम यानी 4 एन है। अब ये चेन रूल पावर को आप अंदर एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या है दोस्तों, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3 एक से कम करो यानी एक्स स्क्वायर एक्स का वन है, यानी ये वी एज इट इज यू का डेरिवेटिव माइनस यू एज इट इज दोस्तों, यू एज इट इज आप डेरिवेटिव होना वी का है, वी यानी नीचे का क्या है डिनोमिनेटर पावर 3 है, 3 आगे लो एक्स क्यूब प्लस 3 है ना, 3 आगे लो एक्स से कम करो यानी व्हाट 2 है ना, एक से कम करो 2 इंटू क्या है अगेन अंदर आप एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3 एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब ये पावर है ना 3, 3 पावर आगे लो एक से कम करो यानी 2 इंटू कुछ नहीं यानी एक्स का वन है, ये यू का वी का डेरिवेटिव दोस्तों और ये एक्स क्यूब प्लस 3 है ना एक क्यूब उसका क्या होना पावर क्या होना होल स्क्वायर यानी वी स्क्वायर है। अब इसमें से कुछ निकलता दोस्तों कॉमन, कुछ निकलता होगा तो देख लो कॉमन क्या ये डी वाई बाय डी एक्स है, देख लो क्या क्या है कॉमन हमारे लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 एक्स का स्क्वायर कॉमन है, देन ये पावर कितना है 2 है, यहाँ पर कितना है 3 है, 2 कॉमन है यहाँ पर 3 है यहाँ पर 4 है, यानी क्या है दोस्तों एक्स क्यूब प्लस 3 इसका स्क्वायर और एक्स क्यूब माइनस 5 उसका क्यूब कॉमन हो दोस्तों है ना, ये यहाँ पर 4 है यहाँ पर 3 है, 3 बाहर लो यहाँ पर 3 है यहाँ पर कितना है 2 है, 2 बाहर लो, हाँ बाकी बचा अंदर क्या है ये डिनोमिनेटर में दोस्तों, डिनोमिनेटर क्या है ये एक्स क्यूब प्लस 3 है ना, इसका कितना ये पावर कितना 3 पूरा कितना दोस्तों 6 इनटू यानी मैं नीचे लूंगा क्या है देखो ये इनटू में है दोस्तों, ये इनटू में है यहाँ पर, यहाँ पर इनटू क्या है अंदर क्या बचाइए, हाँ 2 लिए बाहर यानी 1 बचाइए है ना, देख लो ये 2 है 3 है देख लो इधर क्या है यार, हाँ ये पावर कितना है ये कितना है दोस्तों ये सॉरी ये पावर कितना दोस्तों, फर्स्ट ऊपर का पावर एज इट इज है फिर ये क्या है ये 4 बनूंगा, हाँ क्या मिलता ये अंदर ये 5 है यार 5 है ना, देख लो नीचे क्या है कौन बचा हुआ क्या है कौन, हाँ बचा हुआ कौन देख लो 5 ये 3 में से 2 बाहर लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 3 है दोस्तों, 2 बाहर लिए 3 में से 2 रे 1 बचा ये 5 है,
देख लो क्या है पूरा, ये फाइव देन ये माइनस, ये पांच में से चार आए बाहर है ना, ये चार आए बाहर यानी एक्स स्क्वायर माइनस क्या है ये पांच, एक बचा, ये दो ऑलरेडी बाहर आया ये बाहर आया इतना ये तीन है, ये क्या है ये थ्री बाय है ना, ये क्या है दोस्तों ये थ्री है ये एट इसको सॉल्व कर सकते ना, ये क्या है देख लो यहाँ पर मुंडा ये स्टेप है ये डी वाई बाय डी एक्स देख लो दोस्तों हा? क्या है यहाँ पर देख लो थ्री एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स क्यूब प्लस थ्री का स्क्वेयर एक्स क्यूब माइनस पॉइंट फाइव का फोर हाँ देन ये पांच एक्स क्यूब देख लो डायरेक्ट कर रहा है पांच एक्स क्यूब माइनस तीन एक्स क्यूब है पांच एक्स क्यूब माइनस तीन एक्स क्यूब यानी और दो एक्स क्यूब है देन ये फिफ्टीन माइनस माइनस प्लस फिफ्टीन है फिफ्टीन और ये माइनस माइनस प्लस फिफ्टीन आ रहा दोस्तों फिफ्टीन और ये माइनस माइनस प्लस फिफ्टीन कितना ये थर्टी इसमें से तुम दो कॉमन भी ले सकते हैं ये दो कॉमन लो यहाँ पर मल्टीप्लाई करो ये है तुम्हारे लिए डी वाई बाय डी एक्स ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर ग्यारह ये है क्वेश्चन नंबर ग्यारह हाँ देख लो ये क्वेश्चन मैंने पूरा यहाँ पर सॉल्व करके बताया यू बाई वी यू बाई वी यानी क्या है दोस्तों ये वी एज इट इज ये यू का डेरिवेटिव है ना एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क्वायर देन ये वी एज इट इज दोस्तों ये वी एज इट इज डेरिवेटिव यू का है यू के लिए है ये पावर तीन आगे लो एक से कम करो दो अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्वायर देन क्या है ये थ्री टू द क्या ये सिक्स है ये है थ्री टू द सिक्स ये है तुम्हारे लिए U by V क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों ग्यारह देख लो क्वेश्चन नंबर ग्यारह क्वेश्चन नंबर इलेवन हाँ देन क्वेश्चन नंबर इलेवन के बाद और यहां पर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व के लिए दोस्तों हाँ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व के लिए दोस्तों y इक्वल टू वन प्लस साइन एक्स डिग्री और वन माइनस साइन एक्स अब याद रखो दोस्तों डिग्री यानी डिग्री में हम सॉल्व नहीं कर सकते एक्स डिग्री यानी व्हाट एक्स डिग्री यानी पाई बाय 180 एक्स रेडियन होता है डिग्री यानी ये डिग्री में हम सॉल्व नहीं कर सकते प्रॉब्लम्स मस्ट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लिमिट कंटिन्यू व्हाट वेयर एवर डिग्री है तो उसे रेडियन में कन्वर्ट करो ये नॉट नेसेसरी रेडियन में बताना हाँ वन माइनस साइन ऑफ क्या है एक्स यानी व्हाट पाई बाय 180 है ये यू बाय वी है दोस्तों यू बाय वी के लिए आप यहाँ पर हाँ डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यानी व्हाट डी वाई बाय डी एक्स क्या है ये यू बाय वी है ना U by V दोस्तों U by V के लिए V as it is यानी ये V as it is डेरिवेटिव किसका होना ऊपर का यानी इसका वन छोड़ो वन कॉन्स्टेंट साइन का डेरिवेटिव क्रॉस ऑफ ये दोस्तों ये साइन एक्स डिग्री यानी और क्रॉस एक्स डिग्री इंटू ये इसका डेरिवेटिव क्या है एक्स का डेरिवेटिव वन यानी पाई बाय 180 एक्स यानी वॉट इंटू वॉट पाई बाय 180 एक्स्ट्रा वन एक्स्ट्रा डेरिवेटिव वन है देन ये माइनस वन प्लस साइन एक्स डिग्री एज इट इज ये है यू एज इट इज वी का डेरिवेटिव वी एन एक्स का डेरिवेटिव क्या है ये हाँ माइनस साइन के लिए क्रॉस एक्स डिग्री साइन का डेरिवेटिव क्रॉस एक्स डिग्री अब डिग्री एन वॉट डिग्री एन वॉट पाई बाय 180 पाई बाय 180 एक्स्ट्रा पाई है वन माइनस साइन एक्स डिग्री है इसका होल स्क्वेयर यू बाय डी एन इसका स्क्वेयर देख लो दोस्तों क्या ये देन डी वाई बाय डी एक्स यू बाय वी समझ आया ना सबको ये क्या है वी एज इट इज U का डेरिवेटिव यानी साइन का क्रॉस एक्स डिग्री डिग्री यानी व्हाट पाई बाय 180 एक्स डिग्री एक्स का क्या होता है
पाई बाय 180 एंड एक्स्ट्रा 1 ये, देन यू एज इट इज, यू एज इट इज ये माइनस साइन का क्रॉस डिग्री आई नॉट पाई बाय 180 एक्स्ट्रा 1 जो भी है देख लो क्या है। हाँ क्या ये माइनस माइनस प्लस बनता है, क्या है ये क्रॉस ऑफ एक्स डिग्री इंटू क्या है ये पाई बाय क्या है 180 क्या ये 1 माइनस साइन एक्स डिग्री माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस क्या ये 1 प्लस साइन एक्स डिग्री है पाई 1 माइनस साइन एक्स डिग्री फुल स्क्वायर है ना, ये क्या है बचा यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स ये माइनस माइनस प्लस 1 प्लस साइन एक्स ये कैंसिल हुआ दोस्तों क्या ये पाई बाय 180 क्रॉस एक्स डिग्री ये 1 प्लस 1 यानी 2 बाय 1 माइनस साइन एक्स क्या ये होल स्क्वायर है 2 और ये आता 90 कितना ये 2 90 था यानी डी वाई बाय डी एक्स के लिए हमारे पास क्या है दोस्तों पाई बाय 90 क्रॉस एक्स डिग्री बाय 1 माइनस साइन एक्स डिग्री है होल स्क्वायर। हाँ ये है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12, ये 12 क्वेश्चन नंबर है। इसके नीचे जो लिंक है तुम्हारे पास पीडीएफ के फॉर्म में, तुम्हारे पास वहां पर होमवर्क के लिए क्वेश्चन है पीडीएफ में, तुम वो क्वेश्चन कर सकते हो। 3 से 5 क्वेश्चन आई विल डू फॉर यू होम। ये है हमारा पीरियड नंबर दोस्तों, पीरियड नंबर 3 है जहां तक हमने अप टू 12 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व किए है। ये जो पीरियड है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन जो है एकॉर्डिंग सिलेबस के फर्स्ट पार्ट है, इसके ऊपर ये 12th क्वेश्चन है। नेक्स्ट विल बी इन योर नेक्स्ट पीरियड दोस्तों। थैंक यू।